टेस्टी क्रंची सूजी स्नैक्स होली स्पेशल। हेलो फूड लवर्स, वेलकम टू चार्स किचन। आज हम बनाएंगे सूजी से बहुत ही क्रंची एंड क्रिस्पी नाश्ता, तो एक बार जरूर ट्राई करिए। चलिए देखते हैं इसको कैसे बनाया जाता है। सबसे पहले मैंने यहाँ पर ली है सूजी, जो नॉर्मल सेमोलिना होता है, उसको मैंने मिक्सी में ग्राइंड कर यहाँ पर उसका पाउडर पेस्ट बना लिया है। इस तरीके से पाउडर यहाँ पर मैंने लिया है 1 टेबल स्पून नमक, और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इसमें मैं डाल रही हूँ यहाँ पर कसूरी मेथी, इसको हमने हाथ ऐसे इस तरीके से क्रश करके ऐसे डालना है। और अब यहाँ पर इस तरीके से मैंने यहाँ पर 2 टेबल स्पून कसूरी मेथी ली है, और अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे सारे में। और उसके बाद मैंने यहाँ पर लिया है वेजिटेबल ऑयल, इस वेजिटेबल ऑयल की मैं यहाँ पर 3 टीस्पून इसमें वेजिटेबल ऑयल ले रही हूँ। और इसको अच्छे से हमें मोइन करना है, इसमें अच्छे से हमें मिलाना है इसको। मैं स्पून को हटा देती हूँ और हाथों की मदद से इसको अच्छे से मिक्स करती हूँ। बहुत अच्छे से मिक्स करें कि हमें इसका एक अच्छा सा बाइंडिंग आने लग जाए इस तरीके से। और अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हम इसको नीट कर लेंगे। मैं बहुत ही एक सिंपल सा डो लगाना है, जैसे रोटी का डो लगाते हैं इस तरीके से। और अब इसको देखिए, मेरा डो बिल्कुल रेडी हो गया है। बस हमें इतना ही सॉफ्ट रखना है थोड़ा, क्योंकि सूजी को हम रख देंगे तो ये थोड़ा सा और टाइट हो जाता है, इसीलिए इसको इस तरीके से नीट करके ये अच्छे से नीट हो गया है। इसको मैं आधे घंटे के रेस्ट पर रख देती हूँ। आधा घंटा हो गया है, अब आइए हम इसको चेक कर लेते हैं। देखिए कितना अच्छा हो गया है। थोड़ा सा ऑयल लेके मैं इसको अच्छे से ग्रीस कर लूँगी, और अपने रोलिंग बोर्ड पे मैं इसको निकाल लेती हूँ। एक बार इसको हम अच्छे से बहुत अच्छा सा इसका सॉफ्ट सा इसमें बिल्कुल डो को ऐसे कर लेते हैं। अब देखिए इसके लिए 2 बॉल्स, इनको 2 पार्ट में डिवाइड कर लेती हूँ। इस तरीके से एक बड़ी सी बॉल बना लेंगे। और अब मैं यहाँ पर अपने बेलन पे इस तरीके से ग्रीस करके इसको हम अच्छे से एक रोलिंग बोर्ड पे इसको ऐसे इतना बड़ा बेलना है, हमने जितना बड़ा बेल पाए। और इसको खूब अच्छे से हमें, जैसे हम मठरी बनाते हैं वो उतना मोटा इसका स्टफ रखना है। ये देखिए मेरा जितना बड़ा रोलिंग बोर्ड है, मैं उतना बड़ा इसको बेल लेती हूँ। और मैं आपको इसकी थिकनेस भी दिखाती हूँ कि ये कितना मैंने इतना मोटा रखा है इसको। और अब हम एक नाइफ की मदद से, आपके पास कटर हो पिज़्ज़ा कटर, इससे आप इसको इस तरीके से इसमें थोड़ी थोड़ी 1-1 इंच की मैं इसमें इसको कट करूँगी। और ऐसे ही मैं वैसे भी कट कर लेती हूँ। यहाँ पर हम थोड़ा सा लंबा लंबा रखेंगे। अब जो शेप में इसको जितना आप मोटा बनाना चाहें उतना बना सकते हैं। मैं इस तरीके से इतना मोटा इनको इस तरीके से सारे बेकिंग में बना लेती हूँ। और हम इसको एक प्लेट पर निकाल लेते हैं। इसको आपको ढकने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैंने सारे बना लिए हैं। आइए मैं आपको इसको रोल करना बताती हूँ। यहाँ पे फॉक लिया है मैंने, इस फॉक पे मैं अपना ये रख दूँगी डो, इसको हल्का सा प्रेस करके इस तरीके से। और अब मैं इसको इस हल्के हाथ से ऐसे रोल कर दूँगी। तो इस पर देखिए कितना सुंदर डिज़ाइन आ गया है। और यहाँ पर इसको हम इस तरीके से हल्का सा बंद कर देंगे कि जब हम इसे तले तो ये खुले नहीं। एक ये मैंने बनाया फॉक पे। और अब मैंने यहाँ पर लिया है कॉम, प्लीज़ घबराइए नहीं, ये मेरा बिल्कुल मार्केट से मैंने न्यू ब्रांड कॉम है, इसी चीज़ में लिया है। और अब इस पर मैं इस तरीके से रखती हूँ, दबा देंगे जिससे इस पर अच्छी सी डिज़ाइन आ जाए। और अब हाथ की मदद से हम इसको अगेन रोल करेंगे। तो देखिए फॉक से जो है ना, फॉक थोड़ा छोटा होता है, तो हमारी और इससे हमारी जो डिज़ाइन है वो बहुत सुंदर और एकदम अच्छी लगती है। ये मेरे सारे बन के तैयार हो गए हैं, आइए हम इन्हें अब फ्राई करते हैं। फ्राई मैंने यहाँ पर पहले से ही तेल गरम कर लिया था, और इसमें अब मैं एक एक करके डालूँगी इसको, अलग अलग ऐसे ही डालें। थोड़ा सा इसमें पेशेंस की ज़रूरत है, सारा एक साथ अपुट कर देंगे तो आपस में चिपक जाएंगे, इसीलिए एक एक करके ही इसमें इस तरीके से पोर करें। और जो हमारा गैस की फ्लेम हो वो आप मीडियम रखें, नहीं तो ये अंदर से कच्चे रह जाएंगे, क्योंकि हमने उनको रोल कराया तो थोड़े से वो मोटे रहते हैं। और इसको ऐसे ही आप इसको उलट पुलट करके
हमें इसे गोल्डन ब्राउन करने तक इसको हमें सेकना है। ये देखिए कि हल्के से इसमें ब्राउनिश टच आ गया है। ये देखिए ये बिल्कुल हमारे एकदम रेडी है। देखिए कितना अच्छा कलर आया है हमारे इनका स्नैक्स का। और एक प्लेट को टिश्यू पेपर पर निकाल लें। और यहाँ पर मैंने लिया है थोड़ा सा चाट मसाला। इस चाट मसाले में थोड़ी सी मैंने रेड चिली फ्लेक्स भी डाली, तो इनको हम गर्म गर्म पे ही हमें अच्छे से डालना है। अच्छे से मिला दें, इससे क्या होगा ना बिल्कुल स्नैक्स का बहुत ही यूनिक टेस्ट आएगा। तो देखिए ये मेरी एकदम देखिए क्रिस्पी क्रंची एंड कुरकुरी। तो आप भी होली पर ट्राई करिएगा और बताइएगा आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा। और फिर से मिलूंगी नई रेसिपी के साथ। तक टेक केयर, बाय बाय।